हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंग्लिश चैनल। आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके चार प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक और इंटरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में किया, लिया, दिया, पढ़ा, लिखा, खाया, पिया, सोया आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे वह मंदिर गया। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां मैं आपको बता दूं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग होती है, या यूं कहिए कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म बनी सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए ही है और किसी भी टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। आइए देखते हैं उदाहरण। वह मंदिर गया, यहां हमारा सब्जेक्ट वह है, हमने ही का प्रयोग किया है वह के लिए। वर्ब की सेकेंड फॉर्म गो, यहाँ पे वर्ब है हमारी जाना, उसका सेकेंड फॉर्म है वेंट, तो ही वेंट। ऑब्जेक्ट टू टेम्पल, ही वेंट टू टेम्पल। वह मंदिर गया, ही वेंट टू टेम्पल। आप विद्यालय गए, यू वेंट टू स्कूल। उसने अपना गृह कार्य किया, ही डिड हिज होमवर्क। पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में किया, लिया, दिया, पढ़ा, लिखा, खाया, पिया, सोया आदि शब्द आते हैं और इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग अवश्य होता है, वे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे वह मंदिर नहीं गया। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, वह मंदिर नहीं गया, यहां हमारा सब्जेक्ट वह, उसके लिए हमने ही का प्रयोग किया, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है यहां जाना, गो, फर्स्ट फॉर्म गो ही होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो हमने टू टेम्पल ऑब्जेक्ट लगा दिया। वह मंदिर नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू टेम्पल। आप विद्यालय नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू स्कूल। उसने अपना गृह कार्य नहीं किया, ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किया, लिया, दिया, पढ़ा, लिखा, खाया, पिया, सोया आदि शब्द आते हैं और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, वे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे क्या वह मंदिर गया। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, क्या वह मंदिर गया, यहां हमारा सब्जेक्ट वह है, तो डिड, चाहे वो हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड हो या थर्ड हो, कोई भी सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, तो हम डिड का ही प्रयोग करेंगे। तो हमने यहाँ डिड का प्रयोग किया है, उसके बाद सब्जेक्ट ही लगा दिया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, हमारी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, तो डिड ही गो। ऑब्जेक्ट टू टेम्पल, क्या वह मंदिर गया, डिड ही गो टू टेम्पल। क्या आप विद्यालय गए, डिड यू गो टू स्कूल। क्या उसने अपना गृह कार्य किया, डिड ही डू हिज होमवर्क। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक, जिन वाक्यों में किया, लिया, दिया, पढ़ा, लिखा, खाया, पिया, सोया आदि शब्द आते हैं और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग अवश्य होता है, ऐसे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव नेगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे क्या वह मंदिर नहीं गया। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं उदाहरण, क्या वह मंदिर नहीं गया। डिड का प्रयोग किया हमने पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वह, तो हमने ही लगा दिया, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहां गया, गो, फर्स्ट फॉर्म गो होती है, डिड ही नॉट गो, ऑब्जेक्ट टू टेम्पल। क्या वह मंदिर नहीं गया, डिड ही नॉट गो टू टेम्पल। क्या आप विद्यालय नहीं गए, डिड यू नॉट गो टू स्कूल। क्या उसने अपना गृह कार्य नहीं किया, Did he not do his homework? Past indefinite tense, affirmative and negative sentences की प्रैक्टिस कर लेते हैं, यानी सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों की प्रैक्टिस। वह गया, he went, उसने खाया, he ate, वह सोया, he slept, वे हंसे, they laughed, हम खेले,
We played. आपने पिया. You drank. मैं बोला. I spoke. वह रोई. She cried. उसने गाया. He sang. वह दौड़ा. He ran. वह नहीं गया. He did not go. उसने नहीं खाया. He did not eat. वह नहीं सोया. He did not sleep. वे नहीं हंसे. They did not laugh. हम नहीं खेले. We did not play. आपने नहीं पिया. You did not drink. मैं नहीं बोला. I did not speak. वह नहीं रोई. She did not cry. उसने नहीं गाया. He did not sing. वह नहीं दौड़ा. He did not run. Past indefinite tense, interrogative and interrogative negative की practice. प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों की प्रैक्टिस. क्या वह टहला? Did he walk? क्या उसने खाया? Did he eat? क्या वह सोया? Did he sleep? क्या वे हंसे? Did they laugh? क्या हम खेले? Did we play? क्या आपने पिया? Did you drink? क्या मैं बोला? Did I speak? क्या वह रोई? Did she cry? क्या उसने गाया? Did he sing? क्या वह दौड़ा? Did he run? क्या वह नहीं टहला? Did he not walk? क्या उसने नहीं खाया? Did he not eat? क्या वह नहीं सोया? Did he not sleep? क्या वे नहीं हंसे? Did they not laugh? क्या हम नहीं खेले? Did we not play? क्या आपने नहीं पिया? Did you not drink? क्या मैं नहीं बोला? Did I not speak? क्या वह नहीं रोई? Did she not cry? क्या उसने नहीं गाया? Did he not sing? क्या वह नहीं दौड़ा? Did he not run? Past indefinite tense, ये mixed sentences हैं, इनकी practice कर लेते हैं. तो guys, please मुझे comment box में लिख के बताइए, इनमें से कौन सा वाक्य affirmative है, negative है, interrogative है या interrogative negative है. मतलब कौन सा वाक्य इनमें से सकारात्मक है, नकारात्मक है, प्रश्नवाचक है और प्रश्नवाचक नकारात्मक है. प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए. हम अपने घर गए. वी वेंट टू आवर होम. उन्होंने उनका गृह कार्य नहीं किया. दे डिड नॉट डू देयर होमवर्क. क्या उसने उनकी कहानी लिखी? डिड ही राइट हिज स्टोरी. मैंने अपनी कार चलाई. आई ड्रोव माई कार. उसने छत पर बागबानी की. ही डिड गार्डनिंग ऑन द टेरेस. मैंने चैनल पर समाचार प्रसारित किए. आई ब्रॉडकास्टेड न्यूज ऑन द चैनल. मेरे बच्चों ने मेरी बात मानी. My children obeyed me. क्या उन्होंने अपने घर के कार्य किए? Did they do their household chores? हमने यातायात के नियमों का पालन किया. We followed traffic rules. मैं कल शाम को मुंबई गया. I went to Mumbai yesterday evening. So guys, please practice it with your own sentences. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो please like, share and subscribe. Thanks for watching.